और जो हांस होता है किसी भी कलाकार के लिए, हांस का मतलब कितना मुश्किल होता है आपको? आपके लिए तो काफी आसान है, लेकिन ऐसे आमतौर पर देखा जाए तो मतलब कॉमेडी करना या सेंस ऑफ ह्यूमर होना कितना बड़ा चैलेंज है? मुझे लगता है कि कॉमेडी से मेरी आवाज ही वैसे तो सबसे पहले बता दूं कि ये हमारा सीजन 4 है और कभी भी कोई भी शो आजकल कोई 3 महीने चलता है, कुछ 6 महीने चलता है और बहुत जल्दी शोज बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारा 4th सीजन है नादानियाँ, फिर टोटल नादानियाँ, ये नादानियाँ, फिर ये नादानियाँ, ये अपने आप में ये प्रूव करता है कि ये हिट सीजन है और तभी चैनल किसी भी शो को दोबारा लाता है अगर उसकी टीआरपी हो या लोगों की लाइक हो। तो हमारे शो को पहले से ही काफ़ी पसंद किया जाता है और जहाँ तक कॉमेडी का पूछ रहे हैं मुझसे, तो डेफिनेटली कॉमेडी मुझे लगता है एक्टिंग का अगर कोई भी सोचे तो एक्टिंग में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो कॉमेडी है, उसकी टाइमिंग उसमें होनी बहुत ज़रूरी है और भगवान की दया है कि शायद मुझ में वो थोड़ा बहुत है जो लोग पसंद करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमेडी करना। इसलिए भी अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों के चेहरे पे स्माइल देती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ ना तो एक्टर्स को देख के लोग बोलते हैं अरे देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है, तो मैं जब जाती हूँ तो लोग पहले स्माइल करते हैं और उसके बाद बोलते हैं अरे वो बुआ जा रही है, अरे वो पास्ता जा रही है, या वो मुझे बहुत एक तरह से ऐसे मुझे लगता है जैसे मुझे कोई अवार्ड दे रहा हो। लेकिन उसका भी डायरा होना चाहिए, जो अपनी फैमिली बैंड से देखती है तो कभी कभी एक लिमिटेशन क्रॉस हो जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले कॉमेडी को ऐसा समझा जाता था कि कॉमेडी में वल्गैरिटी बहुत जरूरी है, तो चीप लाइंस और डबल मीनिंग डायलॉग्स हुआ करते थे, लेकिन हमारा ये जो शो है ये फैमिली शो है और इसे आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर, अपनी सिस्टर्स के साथ मिलकर देख सकते हैं और ये शो ये प्रूव करता है हमारा शो कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप चीप डायलॉग से ही हंसा सकते हैं, आप सिचुएशंस के साथ हंसा सकते हैं, आपकी जो रोज़ रोज़ पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके चेहरे पर हंसी ले आती है, तो उसी को लेकर ये शो बनाया गया है जिसमें कि मैं मदर का रोल प्ले कर रही हूँ, तारा वंती वर्मा पटियाले वाली, ये मेरे छोटे बेटे हैं पप्पू, और जैसा नाम है पप्पू वैसी इनकी हरकतें हैं और ये नंदू है, ये शरीफ है और इनकी जो मेरी बहू है चंदू ये कमाती है, लेकिन तारा वंती वर्मा जो है वो इतनी डोमिनेटिंग लेडी है कि वो उस बात की कोई कदर नहीं करती। लेकिन हाँ, जहाँ पे ये भी जैसे एक देश में अलग अलग तरह के धर्म है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, विचार हैं, लेकिन आपस में झगड़ते हैं, लेकिन जब उनकी कंट्री पे कोई बाहर से अटैक करता है ऐसे ही एक परिवार पे, तो वो फिर परिवार का प्यार शो होता है, वो फिर सब यूनाइट हो जाते हैं और बाहर के कोई भी आए तो उससे लड़ते हैं। ये बहुत ही क्यूट फैमिली है, आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो जो ऐसी लड़ाई झगड़ा वो सब चलता है, बहुत खूबसूरत शो है। पिछले सीरियल और ये सीरियल को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें हमें क्या डिफरेंस देखने मिलेगा पिछले सीरियल से? मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई डिफरेंस देखने को मिले, क्योंकि पहले भी हिट था और मैं चाहती हूँ ये भी हिट रहे तो पहले भी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, इसे कोई ज़्यादा डिफरेंस हम कहीं वो तो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है, हमारे जो राइटर हैं वो बहुत नोन इंडस्ट्री के कॉमेडी के राइटर हैं, बहुत फिल्में उनकी हिट रही हैं, बट्टू पारिक की, हमारे डायरेक्टर अच्छे हैं और टीम सेम है, हम लोग सब सेम कैरेक्टर्स, जो मेन यही 4 कैरेक्टर्स आपको इस सीरियल में देखने को मिले, तो ऐसा नहीं है कि कुछ हम अलग कर रहे हैं या ऐसा, एक फैमिली की कहानी। हाँ, हम लोग दिल्ली में रहते थे और हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। अब दिल्ली और मुंबई में क्या डिफरेंस है कि जैसे हम वहाँ पे आ जाते हैं तो हमें छोटे फ्लैट्स में रहना पड़ता है, पानी की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैं बोलती हूँ कि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था लेकिन यहाँ तो
अब मुंह धोने के लिए पानी नहीं मिलता, आसपास कहते समंदर ही समंदर है, ऐसे कौन सा समंदर मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, और गैस सिलेंडर खत्म हो जाते हैं तो कैसी कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमारी बड़ी सिटीज, आप सिर्फ बॉम्बे मत लीजिए, बड़ी सिटीज में हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है वो सब इसमें है। उपासना सिंह जी से तो जान लिया कि उनका कैरेक्टर क्या है, बट भाई पप्पू और नंदू और कंसारा तो बड़े शांत लग रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस आपकी क्या कैरेक्टर है, क्या स्पेशलिटी है इस सीरियल में? तो नंदू एक बहुत ही भोला लगता है, बेसिकली बहुत मन साफ है उसका, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आजकल जो हर उम्र की कहानी है अपनी बीवी और माँ के बीच में पिस रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कभी लगता है बीवी को सपोर्ट करूँ, कभी लगता है माँ को सपोर्ट करूँ, तो बस उसी में पिसता जा रहा बेचारा। और साथ में प्रोफेशनली राइटर भी है, यहाँ पर आया है बॉलीवुड में अपना लक ट्राई करने के लिए, आगे आगे आप शो में देखेंगे ये कैसे नंदू आगे प्रोजेक्ट करता है, कैसे कहानियाँ लिखता है। तो वही है नंदू के बारे में। मेरा कैरेक्टर चंदू है इस सीरियल में, और चंदू का कैरेक्टर ये है कि वो एक ही घर में कमाऊंगे है या वो कमाने वाली है कोई, तो सारे खर्चे उसी के सर पर आते हैं, पर वो बाई एंड ऑफ द डे उसको ये लगता है कि वो जो भी करे अपनी फैमिली को, तो इसलिए वो इरिटेट रहती है, लेकिन हमेशा अपने हस्बैंड को, अपने मदर इन लॉ को, अपने ब्रदर इन लॉ को पुश करती रहती है कि आप लोग कुछ करो, ये ना मेरे को भी नहीं सी कुछ भी करो, तो थोड़ी बहुत थोड़ी होती है, मैंने नादानों में मैं थोड़ी सी कम नादान हूँ। पप्पू तो हमेशा से अतरंगी रहा है, अभी भी अतरंगी है, और अभी देश का सेकंड मोस्ट फेमस पप्पू हो गया है, जो फर्स्ट वाले वो तो सब आप लोग जानते ही होंगे। अब ये वाला जो पप्पू है इसमें उसमें बस ये फर्क है कि बहुत बड़ा वाला लड़कीबाज है, प्लस ये दिल्ली से मुंबई आया एक सपना लेके कि इसको फाइनली एक्टर बनना है, जिसके लिए काफी सालों से ट्राई कर रहा है, बस लाभ उसे खाता रहता है जगह जाके, लेकिन इसका कुछ होता नहीं है, तो फाइनली उसको बड़ी उम्मीद है कि मुंबई आने के बाद में ये हीरो बन जाएगा। तो यही है, प्लस पप्पू और नंदू की केमिस्ट्री जो है, मतलब हर चीज में भाई का साथ भी देता है और भाई का फायदा भी उठाता है, भाभी के पैसों में पलता ही है, और मम्मी जी से हमेशा डांट खाता है, पिटाई खाता है कभी कभार। तो इस वाले सीजन में हम लोग जो दिल्ली से मुंबई आए हैं, अब पप्पू मुंबई में आके अपने जो बच्चे खुचे जो रंग थे वो भी दिखाने वाला है, तो आप देखेंगे कि मतलब पप्पू बदमाशियां भी करेगा, लड़कियां भी छेड़ेगा, और हीरो बनने के लिए भी वो पूरी पूरी तैयारी करके और कोशिश करेगा कि इस बार उसका कुछ हो जाए। मेरा सवाल नंदू से भी ये रहेगा कि जैसे कि आपको अपनी मॉम को भी संभालना है, साथ ही साथ अपनी वाइफ को भी, तो आपको कुछ ऐसा एग्जांपल ऐसा कुछ देना है लाइक मैरिड कपल्स के लिए कि भाई अपनी माँ को और अपनी वाइफ को कैसे संभाले? मैं ये एग्जांपल देके झूठे नहीं कहना चाहता, क्योंकि हर आदमी जो यहाँ पर है ये मेरी तरह सेम प्रॉब्लम से जूझ रहा है, शायद ही कोई जानता है कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, अगर बीवी को सपोर्ट कर दिया तो माँ बोल देगी छोटू का गुलाम, और अगर माँ को सपोर्ट कर दिया तो बोल देगी कि मम्मी का बेटा, तो ये सिचुएशन है एक्चुअली, इट इज वेरी टफ टू टेक डिसीजन। तो नंदू खास करके कोशिश करता है कि सिचुएशन के हिसाब से जो सही है उसको सपोर्ट करे, तो यही कहना चाहूंगा मैं। चल थैंक यू। हाँ ओके,